Afternoon to all. Yes, beta, we have to continue with exercise 10.5 of circles. So question number 5, I discussed in my last class. Some one of you is having the problem, so let me discuss it again. What it is, look here on the board. Figure is given to you, A, B, C, D are 4 points on the circle. Now, A, B, C and D. These are the 4 points on the circle. AC and BD intersect at point E. Angle BEC is 130. This angle is given to you. 130 degree, and angle ECD is 20. Where is ECD? ECD. This is angle 20. You have to find BAC. BAC. This angle, bache, you have to find. This is very easy. How you have to find BAC? Now you can see we have done one theorem that angle in the same segment are equal. Means this arc, or we can say this chord BC, is making which angle? They are making angle BAC and angle BDC on the same side of the segment. This implies this angle 1 and this angle 2 are equal. Agar hume ye wala angle pata chal jayega to hum likh denge angle BAC is same. How to get this angle now? This one. This angle we can find with linear pair. Ye wala. ये 130 है, 180 माइनस 130, 50 डिग्री, लीनियर पेयर से ये आ गया आपके पास 50. अब ये छोटा ट्रायंगल लो बच्चे, डी सी ई, 50 प्लस 20 70, 70 प्लस दिस एंगल, एंगल 2, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, 180 माइनस 70 डिग्री 110, तो ये जो एंगल आपके पास कितना आ गया 110. इसलिए ये भी एंगल कितना है 110. एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. ओके फाइन. नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6, लेट अस स्टार्ट. एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई. Let us draw the figure. They are saying ABCD is the cyclic quadrilateral. So, whose diagonals, these diagonals AC and BD, they intersect at E. If angle DBC is 70, DBC, this angle is 70 degree, and angle BAC is 30. Where is BAC? BAC, ये छोटा half, ये कितना है आपके पास? 30 degree. Find angle BCD. पहले हमने क्या find करना है? BCD, this full. This full angle we have to find, right? Further, they are saying if AB is equal to BC, agar ye AB BC ke equal hai, then find angle ECD. ECD. This. Ye pura angle bhi humne find karna hai, beta, aur humne ye bhi angle find karna hai. This one. Okay. So write down given. ABCD is a cyclic quadrilateral. Write down given. ABCD is a cyclic quadrilateral. AC and BD intersect at E. ठीक है? फिर ये लिख लो जो गिवन है. That is angle DBC 70 from the book. BAC 30.
टू फाइंड, अच्छा गिवन में लिखो ऑल्सो ए बी इज इक्वल टू बी सी. दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट इन द गिवन कि ए बी किसके इक्वल है, बी सी के. टू फाइंड एंगल बी सी डी एंड एंगल ई सी डी. प्रूफ देखिए बेटा इधर बोर्ड पे. पहले हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है. अगर ये ट्राइंगल को कंसीडर करोगे आप, ये वाला इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में हमें बेटा ये एंगल पता है 70. दिस वी हैव टू फाइंड. नाउ इफ वी नो दिस एंगल, कैन वी फाइंड दिस एंगल बी सी डी? यस. नाउ यू कैन सी दिस एंगल बी ए सी एंड बी डी सी. ये एंगल बी सी जो क्वाड है, इट इज मेकिंग एंगल बी ए सी एंड सेम क्वाड इज मेकिंग एंगल बी डी सी. सो वी कैन से दैट एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी 30 degree. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, राइट? इफ यू विश यू कैन गिव नंबर्स ऑल्सो, बट इफ यू गिव नंबर्स समटाइम्स द फिगर गेट्स कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, आपकी मर्जी है. जब हमारे पास ये 30 आ गया तो इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, हमारे पास ये पूरा एंगल आ जाएगा बी सी डी. इसकी बात बाद में करते हैं, पहले इतना लिखो. एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी विच इज इक्वल टू 30 degree. रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी सीधा लिखेंगे 70 degree प्लस बी सी डी प्लस 30 degree इज 180 degree. एंगल सम प्रॉपर्टी. So clearly from here we get एक एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, एंगल बी सी डी इज 80 degree. इतना करो फिर आई रब एंड देन वी प्रोसीड. Done. आगे देखिए बेटा, वन एंगल वी हैव फाउंड. नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड एंगल ई सी डी, दिस एंगल. नाउ फुल दिस इज व्हाट 80. ये पूरा कितना है 80 degree, अभी हमने फाइंड किया. नाउ वन थिंग मोर इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी. ये हमें गिवन है कि ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है. Why this is given? Because it will be used in order to find our ECD. So we know that if two sides are equal, then the angles opposite to it are also equal. If AB is equal to BC, AB के सामने कौन सा angle है? AB इस triangle में, ABC में. AB के सामने कौन सा angle है बेटे? ये angle 1. और BC के सामने कौन सा angle है? ये 30 degree. Can we write angle 1 is equal to 30 degree? Angles opposite to equal sides are equal. Now this it means ये जो angle 1 है ये भी कितना आ गया 30 degree. Now this full is 80. So what is this? Clearly it is 50 degree. So mark कर लेते हैं 1. Now write down in triangle ABC. AB is equal to BC. This implies angle 1 is equal to angle BAC. Angles
opposite to equal sides are equal. Angles opposite to equal sides are equal. This implies angle 1 is equal to 30 degree. Now, angle 1 plus angle. This angle 1 plus angle ECD, which we have to find, is 80 degree. 30 plus angle ECD is 80 degree. Angle ECD is equal to 50 degree. No doubt, please. हाँ जी बेटा, एनी डाउट टू एनीवन? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. इफ डायगोनल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल. Now what they are saying, कहते जो एक cyclic quadrilateral है, जो उसके diagonals हैं, that are the diameter of the circle. We have to prove that the quadrilateral is a rectangle. It is again very easy. This is the center. Now see, this is ABCD is a cyclic quadrilateral. O is the center. Iska jo diagonal hai, BD, it passes through the center and it also passes through the center. Now see beta, again we have done one theorem. Angle in a semicircle is 90 degree. Ye diameter hai. तो ये क्या बना? सेमी सर्कल. ये डायमीटर, ये जो एंगल बना रहा है, ये क्या होगा? 90 डिग्री. वी विल राइट एसी इज द डायमीटर, देयरफॉर एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, राइट? सिमिलरली दिस एंगल इज आल्सो 90 इस वाली साइड. इसी तरह से ये भी 90, अगर ये डायमीटर लेते हैं ये भी 90. ऑल द एंगल्स आर 90, देयरफॉर इट इज अ एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल. सो ओनली वन थ्योरम इज यूज्ड हियर व्हिच विल प्रूव आवर क्वेश्चन. सो राइट डाउन बेटा, गिवन लिखो इसमें, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. एबीसीडी इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. A, B, C, D is a cyclic quadrilateral diagonal AC and BD, diagonal AC and BD are the diameters of the circle. Diagonals AC and BD are the diameter of the circle. To prove ABCD is a rectangle, प्रूफ में लिखेंगे बेटा, ABCD is a cyclic quadrilateral and AOC
is the diameter. AOC लिखो चाहे AC लिखो, one and the same thing. ABCD is a cyclic quadrilateral and AOC is the diameter. This implies angle ABC is 90 degree and angle ADC is also 90 degree. Angle in semicircle is right angle. Similarly, angle DAB is equal to angle, similarly angle DAB is 90 and angle BCB is 90. इसके बाद लिखिए, since each angle is equal to 90 degree, therefore ABCD is a rectangle. Okay. Any doubt? Now come to the next question, beta. Question number 8, important question. If the non-parallel sides of a trapezium are equal, then prove that it is cyclic. If the non-parallel sides of the trapezium are equal, prove that it is cyclic. Now we have to prove that a trapezium is a cyclic. Trapezium is what? A quadrilateral. We have to prove a quadrilateral is cyclic. And quadrilateral is what type? It is a trapezium. It means what? How we have to make our figure? We have to make a trapezium in a circle. Likhiye given. ABCD is a trapezium. A, B, C, D is a trapezium. A, B, C, D is a trapezium. A, D is equal to B, C. The non-parallel sides are equal. It is given. To prove we have to prove that ABCD is cyclic. Now we have done the theorem for the cyclic quadrilateral, that a quadrilateral is cyclic if the sum of opposite angles is 180 degree. Agar charo vertices circle pe lagte hain wo cyclic quadrilateral hota hai. और उसकी आगे प्रॉपर्टी है कि अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा? 180. और द अनदर थ्योरम, इफ द सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल व्हिच इज इनसाइड द सर्कल, अगर उसमें जो क्वाड्रिलेटरल है
उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाता है, तो वो क्वाड्रिलेटरल अल्टीमेटली क्या बन जाता है, साइक्लिक. सो आवर मेन फोकस हेयर इज टू प्रूव दैट एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180. अगर हम ये दोनों एंगल्स को 180 प्रूव कर देते हैं तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपीजियम. लुक हियर ऑन द बोर्ड, लेट मी ड्रॉ अ लाइन बीई पैरेलल टू एडी. दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन. आई हैव कंस्ट्रक्टेड वन लाइन BE which is parallel to AD. Thus ABED becomes a parallelogram, right? So can I write angle 1 plus angle 2 is 180 degree? Because it is a property of parallelogram. Sum of opposite angles of a parallelogram is 180 degree. In dono ka sum kitna hai? Achha, 180 degree, or we can say angle 1 is equal to 2. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, 1 2 के बराबर आ गया. ठीक है, आगे देखो बेटा. नाउ एडी इज इक्वल टू बीई, एडी इज इक्वल टू बीसी. ये जो एडी है वो इसके भी इक्वल है, एडी है जो वो इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई. अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल है देन एंगल 3 is equal to angle 4. यहां तक समझ आ गया? सबसे पहले हमने ये construction करके लिखना है, अभी लिखना मत, समझ लो. Angle 1 is equal to angle 2. Then by using this property, we will write angle 3 is equal to angle 4. Now we can see here, 2 plus 3 क्या है? 180. Linear pair, 2 is equal to 1, 3 is equal to 4. 1 plus 4 आ गया 180. 1 plus 4 is equal to 180 degree. Therefore, ABCD sum of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree. This implies ABCD is a cyclic trapezium. I hope it is clear. It is very easy. समझ आ गया सबको? हाँ जी योगू. मैम मैंने ना ये और तरीके से किया था, जैसे ये एडी वाली जो, सुन तो लो मैम, मैम ये जो एडी वाली जो सी लाइन है ना, उससे एक परपेंडिकुलर बना दिया एम पॉइंट पे, ए से एम पर एक परपेंडिकुलर बना दिया और बी से एन पर एक परपेंडिकुलर बना दिया. तो फिर जो सा एक हमने ट्रायंगल ले लिया ए ई डी और एक डी डी एम सी जो हमने परपेंडिकुलर बनाया था उससे, फिर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया एक 90 लेकर, और जो सा एक ट्रेपीजियम के बीच में जो सी दोनों की डिस्टेंस सेम होगा जो परपेंडिकुलर्स बनाएंगे हम, और AD इज इक्वल टू BC ये हमें बताया हुआ है, तो उससे मैं जो सा एंगल ADC है और BCD को इक्वल कर दूंगा. ठीक है, अब हमें ये पता है कि एंगल BAD प्लस ADC इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, तो BAD और BCD का भी सम फिर 180 आ जाएगा. बिल्कुल ठीक है योग, ठीक है. दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से. आई हैव लिसन टू योर होल क्वेश्चन. इन ऑर्डर टू सॉल्व वन क्वेश्चन समटाइम्स देयर आर मोर देन वन मेथड, ठीक है, बट इन दैट क्वेश्चन आल्सो देयर आर नो टू थ्री स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, देन यू हैव टू टेक सप्लीमेंट्री एंगल्स, देन यू हैव टू रिप्लेस दोज एंगल्स, एंड देन यू हैव योर प्रूफ. दैट इज ऑल्सो ओके, ठीक है ना. उसमें भी दो चार स्टेप्स तो है ना. सिमिलरली यहाँ पर भी, वहां आपने परपेंडिकुलर बनाए अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन में, यहाँ हमने सिर्फ एक ही ड्राइंग लाइन बनाई है BE पैरेलल टू AD. हम सीधा लिख, वो भी ठीक है बिल्कुल, जैसे आपको समझ आ जाए, ठीक है, इट्स ओके. सो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ड्रॉ BE पैरेलल टू AD, बट आई फाउंड दिस मेथड मोर इजी, बट इट्स अप टू यू इफ यू वॉन्ट टू फॉलो दैट ऑल्सो, इट्स ओके. BE parallel to AD such that AB, I'll make this line darker, such that AB ED is a parallelogram. This implies angle 1 is equal to angle 2. Opposite angles of parallelogram are equal.
नाउ एडी इज इक्वल टू बीसी, एक मिनट, एडी इज इक्वल टू बीई, पहले बीई लेते हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ऑल्सो एडी इज इक्वल टू बीसी गिवन, दिस इंप्लाइज बीई इज इक्वल टू बीसी, बीई बीसी के इक्वल आ गया, दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज 180 डिग्री लीनियर पेयर, 2 किसके बराबर है 1, 3 किसके बराबर है 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री, दिस इंप्लाइज सीधा लिखेंगे ए बी सी डी इज अ साइक्लिक ट्रेपेजियम, यहां पर रीजन लिखना जरूरी है जो हमारी थ्योरम है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, आई एम राइटिंग द नंबर ऑफ द थ्योरम, यू विल बी राइटिंग फुल थ्योरम, if the sum of, you can write in your own words, wordings also, that if the sum of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic, simple. Beta, please mark these angles because I have to rub and I have to start the new make the next question figure and that is a bit complicated. So I'll make it. Sabne angles mark kar liye. If you will, like if you have solved the question, suppose you are making the figure in the rough and there you have marked the angles, or you have made the figure in the fair, in your mind you are thinking angle 1, 2. Proof mein aapne likh diya 1, 2, 3, 4 and you have not mentioned it in the exam. इन दी क्वेश्चन आंसर शीट में आपने 1, 2, 3, 4 मार्क नहीं किया तो उस क्वेश्चन पे फुल क्रॉस लगेगा, हाफ मार्क भी नहीं मिलता, ठीक है, इफ यू आर नॉट मार्किंग दी एंगल्स एंड यू आर यूजिंग इट इन द क्वेश्चन, ओके, सो बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दिस। Those who are noting down, please note down quickly. इसकी फिगर ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इजी है। Now let us quickly see. Two circles intersect at two points B and C. These are the two circles intersecting at point B and C. Two line segments ABD, ABD and PBQ, PBQ are drawn to intersect the circles at A, D, P and Q. ये आपने गिवन में लिख लेना है। टू प्रूव एंगल ए सी पी, वेयर इज ए सी पी, ए सी पी, ये
इसको दे दो नंबर वन, इज इक्वल टू क्यू सी डी, क्यू सी डी, इसको दो नंबर आप फोर। ये देखो ये जो एंगल है ना, इधर देखिए बेटा, नाउ दिस आर्क एपी इज मेकिंग दिस एंगल, एंगल वन, समझ आ रहा है अगर आपको, है ना। एंड द सेम आर्क अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, मान लो क्वाड है ये, इसने एंगल ये बनाया एसीपी, एंड दिस सेम इट इज मेकिंग एंगल व्हाट, ये वी विल ज्वाइन कंस्ट्रक्शन टू प्रूव, लिखोगे आप जो गिवन है उसके बाद कंस्ट्रक्शन लिखो, ज्वाइन एपी, बोर्ड पे देखिए प्लीज बेटा, इट इज वेरी इजी। इस एपी ने ये एंगल वन बनाया और इसी एपी ने ये एंगल टू बनाया, ठीक है। सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब ये देखो ये जो टू एंगल है, ये देखो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये टू एंगल थ्री के इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड ऑल्सो वी विल ज्वाइन डी क्यू। अब ये जो डी क्यू है ये इस सर्कल पे एंगल थ्री बना रहा है और इधर क्या बना रहा है, एंगल फोर। वन किसके बराबर है, टू के, टू किसके बराबर है, थ्री के, थ्री किसके बराबर है, फोर के। तो अल्टीमेटली वन किसके बराबर आ गया, फोर के। सिंपल प्रूफ है, ज्वाइन एपी एंड बीक्यू, वन टू थ्री फोर, लेट अस क्विकली डू द प्रूफ। वी विल राइट, सीधा लिखेंगे, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, ऑल्सो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल थ्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, सेम रीजन। ये नंबर वन, ये नंबर टू, ये नंबर थ्री, फ्रॉम वन टू एंड थ्री, ये सीधा भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल फोर, हैंस प्रूफ। सो द फिगर इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड बट द प्रूफ इज वेरी सिंपल। All right, so you have to do all the questions in your notebook. See you tomorrow, beta. Take care, everyone.